अरे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपको दिखाएंगे छोटी कंबाइन मिनी हार्वेस्टर, यानी कि जो छोटे खेतों के लिए और ऊंची नीची जगह के लिए काफ़ी उपयोगी है। आज हम आए हैं पुन्नी एग्रो इंडस्ट्री में और इनके एमडी साहब हमारे पास मौजूद हैं। नमस्कार जी, ये दीप सिंह जी हैं जो पुन्नी एग्रो इंडस्ट्री के एमडी हैं। ये आपको आज इसकी पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद इसको आपको चला करके दिखाएंगे कि ये चलती कैसे है और ये काम कितना अच्छा करती है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। पुन्नी इंडस्ट्रीज़ के पुन्नी टोहाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी देने जा रहे हैं पुन्नी ग्रेनो की। ये इंडिया की पहली सेल्फ प्रोफाइल्ड हार्वेस्टर कंबाइन है जो 7 फीट कटर बार के साथ में आती है। 50 आसपास किर्लोस्कर का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। इसमें फिक्स कटर बार दिया गया है जिसको बार बार उतारना या निकालना नहीं पड़ता, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार फिट बैठता है। तो उतारने चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये 7 फुट का है, तो रोड वगैरह पे भी किसान भाई और रस्ते में भी इसकी दिक्कत आएगी नहीं? दिक्कत नहीं आएगी। और तो लगभग चौड़ाई आपने बताई 7 फीट? 7 फीट है, ठीक है। लगभग किसी भी कंबाइन को अगर हम दूसरे को देखते हैं तो कटर लगाने और निकालने में हर बार 10 मिनट निकालने में और 10 मिनट उसको लगाने में ख़राब होते हैं, तो सीधा सीधा ये समय इसमें बच रहा है। और कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण छोटे रास्तों में आने जाने में इसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। और इसकी कुछ और खूबियाँ जिसके बारे में बताऊँगा, एक तो इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है, इसका व्हील बेस है जो छोटा है, एक ऑपरेटर इसको बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकता है इस मशीन को। और सुविधार्थ हमने जैसे इसका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ड्राइवर को बैठ के चलाना है, वो दूसरी कंबाइनों से काफ़ी नीचा है। अगर हम बात करें 2.5-3 फीट उससे नीचे है, तो ड्राइवर को चलाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। तो मतलब और कंबाइनों से 2.5-3 फीट नीचा इसका बैठने का सिस्टम है। तो इसके बारे में आइए किसान भाइयों, आपको इसका चारों तरफ से दिखाते हैं लोकेशन, इसकी सिस्टम वगैरह। किसान भाइयों, जैसा कि ये दीप सिंह जी ने बताया, ये 7 फीट का है और ये फिक्स है। किसान भाइयों, एक बार लगा दिया तो उतारने की ज़रूरत नहीं है। 7 फीट का होने के कारण रोड वगैरह पर भी दिक्कत नहीं होती। किसान भाइयों, इसके बाद आते हैं आप यहाँ। यहाँ आने के बाद ये जो है ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं है, नज़दीक ही है, इस पर चढ़ना और उतरना भी आसान है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद किसान भाइयों, जैसे आप देखते हैं कि गेहूं कटाई वाली जो मशीन बड़ी कंबाइन है, उनमें समस्या ये रहती है कि वो पेड़ों के नीचे से काट नहीं सकती। आप देखिए आपके सामने, इसने पेड़ों के नीचे ही खड़ी करके यहीं से इसने अपना काम शुरू किया है। तो आज इसका पहला वो है। तो दीप सिंह जी, इसके टायर वगैरह के बारे में बताइए, इसमें कौन से टायर वगैरह लगे हुए हैं? इसके फ्रंट में सर 11-2-24 के टायर हैं। 11-2-24 के फ्रंट के टायर हैं और 7-50-16 के पीछे रियर के टायर हैं। 7-50-16 के पिछले टायर हैं। तो इसकी लंबाई वगैरह कुछ? ये जो बिना बिट वाली, इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में बिट बोल देते हैं, हाँ ट्रॉली में इजीली लग जाता है। लग जाता है बिट वाली ट्रॉली में? हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक और खासियत है, जैसे दूसरी कंबाइनों में इसको सिर्फ खोल के ही चलाना पड़ता है, हाँ, अगर इसको हम बंद कर दें तो दाने निकलने शुरू होते हैं, यानी कि जब भी उसको कंबाइन को चलाना पड़ता है उसको खोलना ही पड़ता है। इसमें इसको ऐसा डिजाइन किया गया है, इसको खोल के चलाएं या बंद करते हैं? अच्छा, ये बंद चलाते वक्त बंद भी हो जाती है? बंद भी हो जाती है, बाकी में खोल के चलाना पड़ता है। ये तो सही है आपकी बात, खोल के चलाना पड़ता है। उसमें जैसे पेड़ों के नीचे जब वो घुसती है उसको पेड़ों के नीचे फंसने का डर रहता है, तो लेकिन इसमें बंद होकर चलाया। जैसे अभी मैं इसको बंद करवा के दिखा रहा हूँ। हाँ, इसको बंद करके दिखाइए भाई। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, बाकी कंबाइन जो है छोटी है और नीचे कद की है। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से अपने आप जो है बंद भी किया जा सकता है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना खोले भी ये बंद हो जाता है इस प्रकार से। तो आगे आप इस तरफ आते हैं, ये देखिए बंद हो गया आपके सामने ही। तो आगे आप इस तरफ आते हैं, आइए। सर ये तो है 30 इंच का क्लीनिंग पार्ट है, पीछे लाइट वगैरह का सिस्टम ठीक दिया गया है और ऊपर वो भी दिए गए हैं आपके जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार। तो इस तरफ देखते हैं, आइए। ये रेडिएटर के सामने जाली, अच्छा, रेडिएटर के सामने जाली होने के कारण ताकि रेडिएटर गर्म ना होए। इसके अंदर इंजन सर आपने कितने एचपी का बताया? 49.5 हॉर्स पावर का किर्लोस्कर 4 सिलेंडर का इंजन है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
इसमें 4 सिलेंडर किर्लोस्कर का इंजन लगाया गया है। इसके साथ में इसमें एयर कंप्रेशर दिया गया है, जैसे मशीन शाम को या काम करने के बाद हमें साफ करनी है तो हवा के प्रेशर से मशीन को साफ कर सकते। अच्छा, अपने आप इसके अंदर से हवा का प्रेशर से सफाई की जा सकती है। ये बढ़िया सिस्टम है, हवा का प्रेशर खुद क्रिएट करता है, इंजन खुद क्रिएट करता है और उसके बाद इसकी सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो सर इसमें रेस वगैरह स्पीड कितनी रहती है इसकी ऑन द रोड? ऑन द रोड मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सड़क पर दौड़ सकती है। किसान भाइयों, 30 किलोमीटर की जो स्पीड इन्होंने बताई है, बाकी कंबाइनों से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी 30 किलोमीटर से ये चल सकती है, वो आपकी समझ है। देखो इसको, इसमें स्पीड वेरिएटर लगाया गया गीले सूखे नाल पे, जैसा हम चाहते अच्छा इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। गीले सूखे में कम ज़्यादा करने के लिए इसमें क्या लगाया गया सर? स्पीड वेरिएटर है सर, स्पीड अच्छा ज़्यादा करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए स्पीड वेरिएटर। हाँ, कम ज़्यादा किसी भी स्पीड पर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर से ही ऊपर से ही ऑपरेट कर सकता है किसान भाई, को स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। और इसमें ब्रेक वगैरह का सिस्टम सर? ब्रेक इसमें ऑयल इंप्रेस टाइप ब्रेक है, जैसे ट्रैक्टर में रहते हैं। अच्छा, प्रेशर ब्रेक है। बहुत ही लाजवाब तरीके से, अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो लगभग सभी ट्रैक्टर में आजकल ऑयल इंप्रेस ब्रेक लगाए। तो किसान भाई ये इसमें जो है ऑयल के प्रेशर ब्रेक जो इन्होंने बताए हैं, तो काफ़ी नज़दीक है किसान भाइयों, काफ़ी ट्रैक्टर भी इतने ऊंचे आ रहे हैं आजकल, तो उसके हिसाब से काफ़ी सेट दिखती है। अभी आपको इसका चला करके डेमो दिखाएंगे। इनका कहना ये है कि ये पड़ी हुई गेहूं भी बिल्कुल आराम से काट लेती है और कोई भी गेहूं के अंदर ये दाना वगैरह नहीं छोड़ती। आप देखते हैं, ये पड़ी हुई गेहूँ अपने सामने ही है, अगर इसको काटेगी तो आप मानेंगे नहीं, इनके कहने से आप नहीं मानेंगे। तो आप इसको चलती हुई को देख सकते हैं, मैं आप इसको बिल्कुल नज़दीक से ले जा करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चल रही है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये आपके सामने ही चल रही है और ये कैसा बना काम कर रही है, कितना कर रही है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में इनका ये कहना है कि ये 1 घंटे में 1 एकड़ को जो है गेहूं निकाल देगी। पहाड़ी क्षेत्र में जहां ऊंचे नीचे खेत हैं, जहां कहीं 1 बीघा कहीं 2 बीघे हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, वहाँ के लिए इसको सर्वोत्तम इन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं ये लगभग 1 फुट की ऊंचाई से जो है गेहूं को ले रही है, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं ले रही है बल्कि 1 फुट की ऊंचाई से इसको ले रही है, आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, अब आपको गिरी हुई गेहूं ये करके दिखाएंगे कि गिरी हुई गेहूं को ये किस प्रकार से लेती है। इसके साथ किसान भाइयों ये काफ़ी नीचे आ जाती है, बिल्कुल ज़मीन के लेवल पर, इसको मानो आप ज़मीन से कोई 2-3 इंच ही ऊपर से ये कटाई करके, देखो आप गिरी हुई गेहूं को ये अच्छे से काट लेती है। ये देखिए आपके सामने जो गिरी हुई गेहूँ है इसी की कटाई चल रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इसके अंदर किसान भाइयों आपको गिरी हुई गेहूँ पीछे की साइड ले जा करके दिखाते हैं कि ये इसने ठीक से कटाई भी की है या नहीं की है, आप देख सकते हैं पीछे। हाँ, ये देखिए यहाँ से गिरी हुई गेहूँ इसने काटी है और पीछे किसान भाइयों इसके अंदर कुछ बचा हुआ नहीं है। अब इसको दिखाते हैं कि इसके अंदर इसने दाने वगैरह या बैल वगैरह छोड़ी तो नहीं है। ये देखिए किसान भाइयों, इसमें बैल वगैरह तो कुछ है नहीं और जो बैल है उनमें दाने नहीं है, जो भी छोटी मोटी रह गई हैं। ये काफ़ी सफाई से काम किया है। तो दीप सिंह जी से इनका अब रेट वगैरह और बाकी चीज़ें पता करते हैं। अब अनाज डालेगी ये, कितना डालती है, पहले का पड़ा हुआ भी आप देख सकते हैं और अब वाला भी आप देख लेना, ये आपके सामने ही है किसान भाइयों। इस प्रकार से ये जो है इसके अंदर अनाज डालती है, इस प्रकार से ट्राली के बीच में डालते हैं किसान भाइयों, पहुंचने के लिए ट्राली वगैरह में, बिड वगैरह में कोई ख़ास दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें नहीं आएगी। हमें ये बताइए कि इसका जो टैंक वगैरह है वो कितने क्विंटल का है? इसका जो टैंक है वो 600 किलो का, 600 किलो का है। और 600 किलो का किसान भाइयों इसका टैंक दीप सिंह जी बता रहे हैं। और डीजल टैंक कितना सर? 55 लीटर डीजल टैंक की कैपेसिटी है इसकी। तो एवरेज कितनी देती है, माइलेज कितना है इसका? लगभग 6 लीटर 1 घंटे का तेल लेता है। 6 लीटर 1 घंटे का तेल लेता है। हाँ, और 1 घंटे में 1 एकड़ को काट देता है, चाहे वो धान है चाहे वो गेहूँ, लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई कर देती है। तो धान में भी काम करेगी ये? धान में भी काम करेगी, मल्टी क्रॉप कम्बाइन है। मल्टी क्रॉप कम्बाइन है। तो अपने किसान भाइयों को आप बात
आती है रेट की, इसका रेट बताइए किसान भाइयों के कितने पड़ेगी? ये 12,95,000 अभी इसका प्राइस हमने फाइनल किया है, ऑन रोड कंप्लीट आरसी इंश्योरेंस सब कुछ होने के बाद में। ऑन रोड 12,95,000? हाँ जी। कुछ ज़्यादा नहीं है? जैसा काम है उस हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और अगर हम क्वालिटी की बात करें और वर्किंग की बात करें, हाँ जी, तो उस हिसाब से 12,95,000 एक वाजिब दाम है। तो दीप सिंह जी का कहना है कि क्वालिटी और काम के हिसाब से जो है इसके दाम जो है सही है। तो किसान भाइयों, अब आपके ऊपर निर्भर है, आप इसको महंगी मानो, सस्ती मानो, कामयाब मानो, नाकामयाब मानो, आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये मशीन आपको कैसी लगी और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। तो जो साथी नए आए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, राम राम।